अम्बाला नगर निगम चुनाव में जीत कर आए कांग्रेस मेयर और सभी 20 पार्षदों ने आज दोपहर 12 बजे शपथ ली थी, लेकिन शाम होते होते ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लग गया। अम्बाला नगर निगम के वार्ड 20 से पार्षद राजेश मेहता ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और हरियाणा जनचेतना पार्टी में आस्था दिखाते हुए पार्टी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में हरियाणा जनचेतना पार्टी ज्वाइन कर ली। विनोद शर्मा ने राजेश मेहता का मुंह मीठा करवाया और फूल माला डालकर पार्टी में उनका स्वागत किया। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मिलकर शहर का विकास करें। कौन से पदों की बात है, कौन से पद होंगे, ये तो अभी कोई तय है नहीं। जब आएगा तो हम सब मिलकर वापस में बैठ के बात करेंगे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और इनकी जो सूझबूझ है, इनकी जो एक्सपीरियंस है, उसका फायदा हम भी देना चाहेंगे, पार्टी को भी आएगा। तो जैसा जैसा समय होएगा वो देखेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी अम्बाला के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उसमें हमारे साथ मिलकर विकास कराना चाहते हैं, वो अगर हमारे साथ आएंगे तो हमें खुशी होगी। इस मौके पर पार्षद राजेश मेहता ने कहा कि उन्होंने पहले 10 साल विनोद शर्मा के साथ मिलजुल कर काम किया है और शहर का विकास किया है। अब एक बार फिर से दोनों विकास करने के लिए साथ आए हैं। जिससे मेरा पारिवारिक संबंध है, आज मैं अपने परिवार में लौट कर आया हूँ और जिस तरह से हमने पहले 10 साल लगातार जब हमारी सरकार रही है मिलजुल के काम किया है इस परिवार के साथ मिलकर, आगे भी अम्बाला के लिए एक अच्छे विकास का रास्ता निकलेगा और शर्मा जी के नेतृत्व में अम्बाला में विकास करें। देखिए, पार्षद साथ वाली बात नहीं है, जब समय आएगा सभी आप देखेंगे कि और भी पार्टियों से बहुत जल्द हरियाणा जनचेतना पार्टी में साथी आ रहे हैं। देखिए, अम्बाला में आज जो आप देख रहे हैं पिछले 6 साल से विकास कार्य का बहुत बुरा हाल है। मैं ही समझता हूँ कि 10 साल के अंदर जो अम्बाला में विकास कार्य हुआ है वो विनोद शर्मा जी के नेतृत्व में हुए हैं। आज अम्बाला दोबारा शर्मा जी को देख रहा है, इसलिए अम्बाला के हित को देखते हुए काम। हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव में मेयर हरियाणा जनचेतना पार्टी से चुनी गई हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को 20 में से 3 ही सीटें मिली थी, जबकि हरियाणा जनचेतना पार्टी को 7, भाजपा को 8 और HTF को 2 सीट मिली थी। लेकिन अब हरियाणा जनचेतना पार्टी और भाजपा का आंकड़ा एक समान हो गया है और कांग्रेस के पास अब हाउस में सिर्फ 2 ही पार्षद बचे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।